कैसे हो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तरुण कृष्णा पर। फिलहाल मैं खड़ा हूँ EOD एडवेंचर पार्क के अंदर, जो कि दिल्ली में मयूर विहार में रहने वाला है। भाई ये एक ऐसी जगह है, अगर आप दिल्ली में रहते हो, एडवेंचर आपको पसंद है, तो यहाँ आप आ सकते हो। बहुत बढ़िया जगह रहने वाली है। अगर आप छोटे बच्चे हो, मतलब ज़्यादा छोटे नहीं, 5 साल से ऊपर के हो, आ जाओ, यहाँ पर मज़ा आने वाला है। अपने पेरेंट्स को बोलो, मम्मी पापा जगह मिल गई है, लेकर आप चलो, ठीक है। कपल्स हो, सोच रहे हो भाई आप पार्टनर आपस में इंजॉय करके आते हैं आज, तो यहाँ आ सकते हो। कपल्स ये काफ़ी ज़्यादा आते हैं, मतलब ज़्यादा यहाँ कपल्स ही आते हैं वैसे तो। फैमिली में हो, बच्चों को घुमाना फिराना है, आ सकते हो। सबके लिए बढ़िया एक एडवेंचर प्लेस रहने वाला है। बोटिंग वगैरह कर सकते हो, ट्रम्पलिन पार्क यहाँ खुल चुका है अब, और भी कई एक्टिविटीज़ है, ट्री टॉप कोर्स हो गया, आर्चरी वगैरह हो गया, मतलब बहुत कुछ यहाँ आपको मिलने वाला है। आइए पूरा आपको EOD पार्क में घुमाता हूँ, दिखाता हूँ यहाँ टिकट क्या रहने वाला है, टाइमिंग क्या रहने वाला है, लोकेशन क्या है, करीबी मेट्रो स्टेशन कौन सा है, सारी जानकारी यहाँ की देता हूँ, और उसके बाद पूरा EOD एडवेंचर पार्क आपको घुमाऊंगा। और दोस्तों चैनल पर अगर आप आए हैं पहली बार, तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना ऐसी और वीडियोस के लिए। हम दिल्ली के अंदर, दिल्ली NCR के अंदर, इवन पूरे भारत के अंदर घूमते हैं और आपको भी साथ में घुमाते हैं पूरी जानकारी के साथ। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको यहाँ की लोकेशन बता देता हूँ। ये देख सकते हो सामने एक गेट रहने वाला है EOD एडवेंचर पार्क का, तो ये आप देख रहे हो, ये रहने वाला है पॉकेट डी मयूर विहार के अंदर नई दिल्ली में। ये देख सकते हैं आप, यहाँ गेट नंबर 2 से जो है एंट्री होती है। आइए चलते हैं अंदर, और जैसे आप अंदर जाएंगे ना, तो यहाँ आपको पार्किंग मिल जाएगी, फ्री पार्किंग ये रहने वाली है। यहीं पर ही आप अपनी कार पार्किंग, बाइक पार्किंग कर सकते हैं, जिससे भी आप आ रहे हो, पूरा फ्री है ये। यहाँ आने के लिए करीबी मेट्रो स्टेशन रहने वाला है त्रिलोकपुरी संजय लेक का, जो कि यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। ऑटो वगैरह लेकर आप यहाँ तक आ सकते हो, रिक्शे वाले आप देख रहे हो भारी हैं, तो ये आपको ले आते हैं 10-20 रुपये में। बाकी यहाँ लिखा हुआ पार्किंग एट योर ऑन रिस्क, तो अपने ही रिस्क पर पार्किंग करनी है। वहाँ सामने है टिकट काउंटर, आइए चलते हैं, टिकट वगैरह बताते हैं आपको। गोपाल भाई टाइमिंग क्या रहेगी यहाँ की? सुबह 10 बजे पार्क खुलता है, रात के 8 बजे तक खुला रहेगा। अच्छा, सुबह 10 से रात को 8 बजे तक खुलता है। अच्छा, रोज खुलता है? रोज खुलता है। चलो बढ़िया है, तो भाई डेली ओपन रहती है ये जगह, सुबह 10 से रात को 8 बजे तक। आइए वहाँ चलते हैं और आपको टिकट प्राइस बताते हैं यहाँ का। तो यहाँ से एंट्री आने वाली है, बाकी इस साइड में आप देख रहे हो ना, यहाँ पे ये नर्सरी है, नर्सरी में भी जा सकते हैं आप, कुछ लेना हो और आपको फ्लावर वगैरह कुछ लेना हो, देख सकते हैं आप। तो आइए चलते हैं यहाँ से, टिकट प्राइस बताते हैं आपको चल के। दोस्तों अब मैं आपको यहाँ का टिकट प्राइस बताया, तो ये आप देख सकते हो 3 टिकट यहाँ रहने वाली है। एक जो है एनुअल पास है पूरा, मतलब पूरे साल के लिए है, बाकी एक वन डे आप आ रहे हो तो 1 दिन के लिए रहने वाला है। ये बच्चों के लिए पूरा कॉम्बो रहने वाला है। आइए यहीं से शुरू करते हैं, बताते हो सबसे पहले, जूम कर लेते हैं थोड़ा। ये आप देख सकते हैं एवरी अदर डे, मतलब EOD, तो एनुअल पास यहाँ रहने वाला है, अनलिमिटेड विजिट कर सकते हो यहाँ पर आप, मतलब जितना मन करे उतना आओ, अनलिमिटेड फन करो, 1 साल का ये रहने वाला है पूरा। और कितने रुपये लगने वाले ये तो यहाँ दिखाई दे नहीं रहा वैसे, हाँ कहीं नहीं लिखा, ये आप पूछ लेना इनसे अगर आप यहाँ को करवाना हो तो। बाकी नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ लिखा हुआ है एनी वन अबव 4 फीट हाइट इज एलिजिबल फॉर दीज टिकट्स। जिनकी 4 फीट से ज़्यादा हाइट है ना, उन सब के ये टिकट लगने वाले हैं। बच्चों वाला नहीं लगेगा, ये वाला लगेगा। मंडे से फ्राइडे का ये रहने वाला है, सैटरडे संडे हॉलीडे पे ये वाला रहने वाला है। ये देख सकते हैं आप, सबसे पहले 300 रुपये वाला कॉम्बो है यहाँ पर, जिसमें आर्चरी मिलेगी, 500 ऑटो में मिलने वाले हैं, या मेल्ट डाउन मिलेगा, ट्री टॉप कोर्स मिलेगा, बास्केटबॉल मिलेगी, ये देख सकते हैं आप, और रेन डांस मिलेगा। उसके बाद अगर हम यहाँ पे नहीं आते हैं, कॉनकॉर कॉम्बो मिलने वाला है यहाँ पर, जो 500 का रहेगा। उसके अंदर क्या क्या एक्टिविटी ये आप देख सकते हो, बॉलिंग, जिपलाइन, बोर्ड गेम, ट्री टॉप कोर्स, मैट डाउन, बॉडी जॉबिंग, बास्केटबॉल, आर्चरी, रेन डांस, लेजर टैग, जिपलाइन, ट्रम्पलिन पार्क, ये सब मिलने वाला है 500 में, ठीक है, 500 में। किलर कॉम्बो यहाँ पर है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं क्या क्या एक्टिविटी मिलने वाली है आपको, वीडियो पॉज करके आप देख सकते हो। बाकी अगर आप वीकेंड में आते हो या हॉलीडे पर आते हो, तो ये कुछ टिकट प्राइस रहने वाला है। यहाँ देखो दोनों में 300 है, यहाँ पे 500 से 600 हो गया, यहाँ 700 से 800 हो गया, मतलब थोड़ा रेट बढ़ गया अगर आप वीकेंड में आ रहे हो तो। आइए अंदर चलते हैं, बाकी बच्चों के लिए क्या कॉम्बो रहने वाला है वो आप देख सकते हैं। ये किड्स फन जोन मिलेगा, रेन डांस मिलेगा, जूनियर एडवेंचर लैंड मिलेगा, और ट्रम्पलिन पार्क मिलेगा, बॉल पूल मिलेगा, जंगल हाउस मिलेगा, सॉफ्ट पे मिलेगा, ये सब रहने वाला है बच्चों के लिए 300 रुपये में, 300 में। बाकी एक और चीज़ बता देता हूँ, अगर आप जिपलाइन करने की आने की सोच रहे हो, तो आपका वेट जो है 100 से नीचे होना चाहिए, और जिप साइकिल के लिए आपका वेट जो है 75 से नीचे होना चाहिए। मेरा तो नहीं है भाई, यानी कि मैं जिप साइकिल नहीं कर सकता। दोस्तों ये आप देख सकते हो रेन डांस का टाइम क्या रहने वाला है यहाँ पर, 20 मिनट आपको मिलते हैं, 20 मिनट का एक स्लॉट यहाँ पे रहता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, ट्रम्पलिन यहाँ पर ऐड हुआ है, तो उसका आपको ये देख सकते हैं टाइम क्या रहने वाला है। तो भाई टिकट वगैरह ले चुका हूँ मैं, आउटसाइड फूड जो है अलाउड नहीं अंदर। बाकी दिखाता हूँ, मैप वगैरह बनाया है यहाँ का पूरा, ये देखो लिखा है यहाँ पर सब कुछ, जिप लाइन कहाँ है, जिप साइकिल कहाँ है, बोटिंग, बॉडी जॉबिंग, जंगल हाउस, किड्स फन जोन, सब कुछ विजिट कराएंगे आपको। कि यहाँ आप सामने देख रहे हो पूरा इसका मैप दिया हुआ है EOD का, कहाँ क्या मिलेगा। बाकी वहाँ भी इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं साइन बोर्ड है, फूड कोर्ट उस साइड रहने वाला है। यहाँ सामने से देखो मैडम जी आ रही है ढुमकती हुई, आ जाओ भाई आ जाओ, ढुमक 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 ढुमक
ये पूरा आप देख रहे हैं ना, ये डक्स के लिए पाउंड बना दिया गया है। यहाँ पे पहले नहीं था, अब बना दिया गया है। वहाँ फूड कोर्ट रहने वाला है, वहाँ फूड कोर्ट रहने वाला है, एक फूड कोर्ट वहाँ भी है उस साइड। ये देखो सामने से भाई आ रहे हैं, सारे जिपलाइन करने के लिए जा रहे हैं। ये गोपाल व्लॉग्स मेरे साथ में आए हैं आज, ये देख सकते हैं। गोपाल भाई सबसे पहले कौन सी एक्टिविटी करें? सबसे पहले हम जा रहे हैं जिपलाइन वाली एक्टिविटी करने। जिपलाइन कर लेते हैं सबसे पहले, कर लेते हैं क्योंकि अभी रोशनी है, थोड़ा अच्छा लगेगा। चलो भाई जिपलाइन करते हैं सबसे पहले। ये देखो भाई आ रहे हैं यहाँ से जिप साइकिल करते हुए। तो ये मैं नहीं कर सकता, मेरा वेट जो है 80 से ऊपर है, 75 से नीचे जिसका वेट है वो कर सकता है जिप साइकिल जो है। बाकी ये देखो लोग सामने बॉडी जॉबिंग में इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ सामने देखो बुल राइड है, ये भाई इस तरीके से हार्डनेस वगैरह पहनाया जाता है आपकी सेफ्टी के लिए जिप लाइन में। ये देखो तो हार्डनेस पहन लेते हैं भाई, इसमें तो भाई रेडी हो चुके हैं। ये सेफ्टी हेलमेट है, हार्डनेस है, तो पूरे रेडी हो चुके हैं, ग्लव्स वगैरह हैं। अब चलते हैं वहाँ ऊपर और देखते हैं भाई कितना मजा आने वाला है जिपलाइन में। ये देखो बॉडी जॉबिंग तो दिखाया था ना अभी, ये देखो जिपलाइन करते हुए जा रहे हैं। गन्ने का जूस देख सकते हैं, 40 रुपये का रहने वाला। पीना गन्ने का जूस पिए? नहीं यार 40 का यार, 20 बार 20 में मिल जाएगा। ये तो भाई बार 20 में मिल जाएगा यार। चलो यहाँ से देखो जिपलाइन जाने का रास्ता जो है, नो एंट्री विदाउट हेलमेट एंड गियर्स। वहाँ उस साइड रहने वाला है ट्री टॉप कोर्स, यहाँ पे है आर्चरी, वहाँ वॉशरूम वगैरह है। तो भाई ऊपर आ गए हम यहाँ पर, ये देखो कितना मीटर है भैया, ये 170 के अराउंड है ये, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अच्छा अच्छा 170 मीटर है भाई ये पूरा, देख सकते हैं आप काफी हाइट पर है। अच्छा दिल्ली की सबसे बड़ी जिपलाइन है ये, तो गोपाल भाई जा रहे हैं, इनके बाद मैं जाऊंगा। अच्छा इतनी बड़ी कहीं नहीं है, अच्छा अभी बता रहे दिल्ली में एक और जिपलाइन है बट वो इससे छोटी है, दिल्ली की सबसे बड़ी जिपलाइन रहने वाली है ये। तो भाई आ चुके हैं यहाँ पर जिपलाइन के लिए, देखते हैं कितना मजा आने वाला। मजा आएगा भाई, पूरा मजा आएगा, पूरा मजा आएगा। अरे अरे थोड़ा पीछे ही रोक दिया भाई मैंने, हाथ से रोकना पड़ता है। तो भाई मैंने हाथ से रोकने के लिए कहते हैं तो मैंने कुछ ज्यादा ही पहले रोक दिया था, खैर जो भी है मजा आया भाई। तो भाई जिपलाइन करके आगे काफी मजेदार थी। अब यहाँ चले ट्री टॉप कोर्स में, चले कहाँ चले? चलो ट्री टॉप कोर्स करते हैं। चलो भाई देखते हैं हम नेक्स्ट करने वाले हैं। ट्री टॉप कोर्स दिख रहा है सामने, तो भाई यहाँ आप देख रहे हो ये रहने वाला है यहाँ पे आर्चरी, तो आर्चरी भी कर सकते हैं यहाँ पर। चलिए आर्चरी करते हैं, चल के देख सकते हैं यहाँ पे आर्चरी। तरुण भाई जा रहे हैं आर्चरी ट्राई करने, देखते हैं भाई निशाना कैसा है तरुण भाई का। मार दो भाई, बीच में लगना चाहिए। ओ क्या भाई नीचे कहीं नहीं लगा, कोई नहीं, दूसरा चलो दूसरा, अब लगना चाहिए भाई। मैं तो कह रहा हूँ बोर्ड में लगा दो, पूरे बोर्ड में कहीं पे भी। ओ लग गया भाई साहब, लग गया। तो भाई आर्चरी हमने दिखा दी आपको, अब ये कर लेते हैं ट्री टॉप कोर्स। तो आइए चलते हैं, यहाँ पे जो है ना ज्यादा कपल्स वगैरह फ्रेंड्स वगैरह ज्यादा आते हैं यहाँ पे, फैमिली उतनी दिखाई नहीं दे रही है, कपल्स फ्रेंड्स ज्यादा दिख रहे हैं। चलो भाई चलते हैं यहाँ पे सामने ट्री टॉप कोर्स में, ऊपर साथ में जा सकते हैं, उसके बाद हर राइड पे वन बाय वन करके जाओ। अच्छा जितने भी हम एक्टिविटी करेंगे एक एक करके करना सब? अच्छा अच्छा वन बाय वन। चलो भाई चलते हैं ट्री टॉप कोर्स में, भैया कह रहे हैं जो भी मतलब यहाँ पे एक्टिविटी है एक एक करके करना पड़ेगा, एक एक करके जाना है सबको। तो चलिए भाई एक एक करके कर लेते हैं मजे। सबसे पहले हमारे सामने इस तरीके का एक ब्रिज आ रहा है जिसको क्रॉस करके हमें जाना है, थोड़ा फिसलता भी है ये और इस पे मजा भी आता है जाने में। चलिए चलते हैं इस पे से। चलो 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 आ जाओ गोपाल भाई आ जाओ। अरे मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, हिल रहा है तो बहुत तेज। ओह भाई साहब हिल रहा है, तेज हिल रहा है ये तो। अरे हिल रहा है भाई ये तो, ओ भाई साहब बढ़िया है भाई, एक नंबर एडवेंचर है ये तो, ये बढ़िया करा हुआ। पकड़ पकड़ के चलो इस रस्सी को ऊपर, बहुत बढ़िया। नीचे रेन डांस है, उसकी आवाज आ रही है भाई। ये गोपाल भाई देखो कैसे आ रहे भागते हुए, वीडियो बनाते हुए। आ जाओ हाथ दो आ जाओ आ गए। एडवेंचर पसंद है, कहीं बाहर जाने का टाइम नहीं है, पहुंच जाओ इस जगह पे मजा आ जाएगा। ये देखो यहाँ ये इस तरीके से बनाया हुआ है, पूरा आपको फील होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा डर, थोड़ा थोड़ा मजा, थोड़ी थोड़ी खुशी। ये देखो इसी सबको मिला के बनता है एडवेंचर। नेक्स्ट हमारे सामने भाई ये क्या आ गया? अरे भाई ये तो पूरा नेट लगा रखा है, वे पूरा नेट लगा रखा है ये तो। तरुण भाई जाओ तुम जाओ भाई, तुम्हें देख लूं पहले।
फिर मेरे को थोड़ा लगेगा हाँ भाई ठीक है ये तो। जाओ जाओ गोपाल भाई जा रहे हैं भाई, यहाँ पर ये देख सकते हैं आप नेट के ऊपर जाएंगे भाई। गिरना मत ध्यान से वैसे गिरोगे भी कहाँ गिरोगे, इसके ऊपर गिरोगे। जाते रहो भाग के गिर के ऊपर नीचे आ गए पीछे पहुंच गए। यहाँ नीचे भाई रेन डांस है, काफी लोग एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर, वो दिखाएंगे बाद में रेन डांस भी, पहले ये कर लेते हैं। अरे वापस क्यों आ रहे हो, क्या हो गया, मजे फिर से मजे लेने क्या, फिसल रहे। तो भाई अब अपनी बारी आ गई, इस नेट पे जाने की डर सा और लग रहा है वीडियो बनाना है इसमें, बट आपको दिखाना है तो ओ भाई ओ मैया ओ भाई 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 ओ भाई ओ भाई साहब मेरी तो चप्पल ही उतर गई, मैं भाई सैंडल में आ गया, सैंडल ही उतर गया। जूते पहन के आना, शूज वगैरह ही पहन के आना, काफी मजेदार है भाई, सच में एडवेंचर है सच में। आ जाओ तरुण भाई आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है भाई, इजी है, पकड़ लो हाथ पकड़ लो। काफी स्लाइड करता है, फिसलता है भाई, बहुत ज्यादा फिसलता है, मजा आ गया। लेकिन ये क्या वो भाई साहब टनल बना है वो इसके अंदर, ये तो भाई कितना अंधेरा इसके अंदर है यार भाई साहब। ये देखो भाई और यहाँ पर लोग हैं, ये एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे, मजा आ रहा है, हालत खराब हो जाती जैसे मैं गिर गया था वो भी गिर गई, देखो यहाँ पर मजा आ जाता है। लेकिन ये भैया देखो बाहर से उनकी वीडियो बना रहे हैं, इस वाले में तो भाई पूरा अंधेरा, इसमें और मजा आएगा। दोस्तों ये मेरे पीछे आप टनल देख रहे हो ना, इसमें सबसे ज्यादा मजा आने वाला है भाई, पूरा अंधेरा रहेगा अंदर। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कितनी हार्ट बीट तेज होने वाली है इसमें। तो भाई मैंने फ्लैश लाइट कर ली है फोन की ऑन, तो भाई मैं बोल देता हूँ आपको, अगर आप आ रहे हो ना यहाँ पे इंजॉय करने तो प्लीज भाई वीडियो वगैरह मत बनाना, अपना तो काम है, रिस्क ले रहे हैं भाई। ओ भाई मेरे को डर लग रहा है भाई, भाई मेरे बस की नहीं यार, मेरे को डर लगता है ऐसी चीजों से यार, गुफा वगैरह होता है जो। तो भाई जो ये टनल वाली चीजें होती है ना, मुझे बड़ा डर लगता है भाई। वैष्णो देवी में गर्भजून गुफा है ना, बड़ी हिम्मत से गया हूँ वहाँ पर भी मैं, और यहाँ पे भी भाई वो भाई पूरा अंधेरा। ये तो करते हैं कोशिश करते हैं यार, फोन टाइट पकड़ लिया मैंने। ओ भाई ये देखो भाई, ध्यान से चलना पड़ेगा, ये देखो फोन निकल गया, सीधा नीचे पहुंचेगा भाई। तो वीडियो वगैरह बिल्कुल मत बनाना, मैं कह रहा हूँ आपको, अपना तो काम है। ये देखो पानी वगैरह कैसे पड़ा, ये लोग बोतल वगैरह गिरी होगी लोगों की बैग से भाई, देख रहे हो भाई साहब, मजा सा आ रहा है। जो ये थोड़ा थोड़ा डर होता है ना, इसी को एडवेंचर कहते हैं, और हालत भी खराब हो रही है, मजा भी आ रहा है, और अपना काम भी कर रहे हैं वीडियो बनाने का, हिम्मत करके रिस्क लेके। सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल पे हैं पहली बार तो, क्योंकि हम भाई दिल्ली NCR के अंदर घूमने की बढ़िया जगह आपको बताते हैं, और भारतवर्ष में घूमते हैं, बढ़िया बढ़िया जगह आपको पूरे भारतवर्ष में घुमाते हैं, बाद में बाहर भी चलेंगे, फिलहाल तो यहाँ पे चल रहे हैं भाई। तो दम सा घुटने लग गया मेरा तो। अरे भाई तुम क्या कर रहे हो ऊपर, हो देखो फ्लैश लाइट जला के आ रहा था, बस बस हो गया थोड़ा सा और, हाथ पकड़ लो भाई। भाई फाइनली बाहर, मजा आ गया भाई, डर भी बहुत लगा मुझे। जी भाई ये वाला एरिया आप देख रहे हैं अंडर मेंटेनेंस है, ये पहले स्टार्ट था अब नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये तो कर लिया भाई हमने जो भी है। ये देखो भाई यहाँ से एक और निकल के आ रही है, फिलहाल दिख नहीं रही, अब दिखने लग गई, डर लगा भाई तुम आपको। हाँ, थोड़ा बहुत लगा मुझे भी, वही मेरे को भी लगा, हिलता है ना। हाँ हिलता है ना, बीच में अंधेरा होता है उससे डर लगता है। ये आगे आ जाओ, डर लगा लगता है भाई, डर लगता है। ये देखो भाई भी आ गए यहाँ से, आपको कैसा लगा भाई? मुझे तो इजी लगा। आपको इजी लगा? हाँ भाई, भैया को इजी लगा भाई, हमें थोड़ा टफ लगा भाई। दोस्तों इसमें डर भी लगा, मजा भी आया, भैया ने बताया उनको नहीं लगा डर, अब सबके अपना है भाई, हमें लगा उनको नहीं लगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं, क्या इसमें क्या होगा, फिसल के जाने क्या? चलो तुम चलो, जाओ गोपाल भाई जाओ, तुम्हारे बाद मैं आऊँगा, झूला झूलते हुए जाओ। ओ चलो दोस्तों ये वाली एक्टिविटी करते हैं, अब इसमें चलते हैं अंदर, गोपाल भाई जा रहे हैं, चलो भाई चलते हैं इसके अंदर, झूला झूलते हुए बचपन की याद आ गई, फोर्स लगाना पड़ रहा है लेकिन इस झूले में तो, हाँ खुद ही चलाना पड़ता है इस झूले को। हाँ वो पहले एक था वहाँ पे, उसमें फोर्स लगाते थे। ये वाली एक्टिविटी अंडर मेंटेनेंस है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं, रबर की इस तरीके से बनाया है, चलो इसमें चलते हैं, ये तो ईजी लग रहा है। अरे भाई फिसल रहे हैं यार, ये सही है पकड़ने के लिए बनाया भाई, आ जाओ गोपाल भाई आ जाओ। तो अब ये रबड़ वाली एक्टिविटी हम दोनों करने जा रहे हैं, तरुण भाई ये वाली एक्टिविटी कर रहे हैं, अब ये ब्रिज वाली एक्टिविटी कर रहे हैं तरुण भाई, अब आ जाओ भाई, अब पकड़ रहे ना, एक तरफ पकड़ रहे ना भाई, गिरोगे नहीं तो मुंह के बल भाई नीचे गिरोगे भाई, एकदम से पैर फिसल जाता है इसमें, अभी देखा नहीं तो सैंडल के साथ क्या हुआ था। हाँ बहुत हिलता है भाई,
आराम से आओ दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पर ये टायर वाला रहने वाला है, तो भाई इसमें चलते हैं टायर वाले में। अब गोपाल भाई तो गए भाई, देखते हैं इसमें कितना डर लगने वाला है। हिल तो रहे हैं वैसे टायर ये। ओ भाई ये तो आवाज़ कर रहे हैं पूरी। अरे तो दबरे भाई, ये तो दबरे हैं। अरे 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 ये देखो भाई पूरा दबदा जाए तो हो रही है, हालत तो ख़राब हो रही है वैसे भाई। भाई जो थोड़े हैवी है ना, मोटे हैं मेरी तरह, जिनका वेट 80 से ऊपर है, उन्हें डर लगेगा भाई, क्योंकि भाई आप मतलब ग्रेविटी ज़्यादा पड़ेगी तो भाई पिचक रहे टायर पूरे। ध्यान से चलना पड़ेगा भाई, मोटे लोग ध्यान से करना इन चीज़ों को। हाँ ध्यान से भाई। ये देखो भाई फ़ोन हाथ से छूट ना जाए, सीधा नीचे जाएगा वरना। लास्ट अब ये वाली एक्टिविटी रह गई है भाई अपनी यहाँ पर। ये जो है ना फिसलता है तो पकड़ पकड़ के चलना पड़ेगा। ये लकड़ी देख रहे हो ना, ये जो ये स्पेस है इसमें पैर फंसा के चलना वरना फिसल जाता है। तो ट्रेड ऑफ कोर्स यहाँ पे जरूर करना, बहुत मज़ेदार है, बहुत अच्छा बनाया है। यार डर लग रहा है यार, फिसल जाता है एकदम से। ओ भाई अरे भाई ध्यान से हो गया। बस अब नहीं है डर, वहाँ फिसल जाता है ना वही डर होता है। तो ये एक और है भाई यहाँ पर, ये लास्ट है, उसके बाद वहाँ से नीचे जा रहे हैं। चलो भाई चलते हैं इसमें भी। इसमें क्या डर है, इसमें तो देखो फिसलेंगे भी नहीं, इस तरीके से बनाया है क्योंकि आराम से उतर सकते हो, सीढ़ी की तरह है ये पूरा। हाँ ये बढ़िया, आराम से उतर जाओ। दोस्तों कमेंट करके बताना कैसा लगा ट्रीट ऑफ कोर्स, हमें तो काफ़ी मज़ा आया। फ्रेंड्स वगैरह आप आ रहे हो तो भाई फुल इन्जॉय करोगे। कपल्स ज़्यादा आते हैं यहाँ पर, मतलब ऐसा कह सकते हो 90% कपल्स ही मिलेंगे आपको यहाँ अगर आप आते हो तो। अच्छा है भाई, सब इन्जॉय करो और क्या। आगे ये आप सामने देख रहे हो, यहाँ पर ये स्पेस बनाया है, ये हट बनाया है, आप यहाँ बैठ के अपनी शांति वाली वार्तालाप कर सकते हो, उसके लिए बनाया पूरा। और आगे बढ़े तो इस तरीके से और बनाया है, यहाँ बैठ सकते हैं, वहाँ काफ़ी कपल्स वगैरह बैठे हुए हैं तो कर सकते हो। ये देखो पूरा ट्रीट ऑफ कोर्स हम करके आगे, देखो इस तरीके से पूरा बनाया हुआ है। यहाँ पे ये है श्री हरि, ये देखो यहाँ पे आपको साउथ इंडियन मिलेगा। यहाँ आप सामने देख सकते हैं डिलीशियस लस्सी, ऑल टाइप मोजिटो, फ्रूट शेक, यहाँ पे जूस मिल जाएगा, रोबजा मिल जाएगा, चाट वगैरह मिल जाएगा, ये सब यहाँ खा सकते हैं पी सकते हैं। बाल भाई अब क्या करना है? अब मेरे को जिप साइकिल करना है। जिप साइकिल? तो भाई जिप साइकिल करने चल रहे हैं, गोपाल भाई करेंगे, मेरा तो वेट ज़्यादा है 80 से ऊपर है तो मैं नहीं कर सकता जिप साइकिल। तो भाई गोपाल भाई गए हैं यहाँ पे जिप साइकिल करने के लिए। ये देखो भाई सामने से कुछ लोग आ रहे हैं एंजॉय करते हुए यहाँ पे जिप लाइन जिप साइकिल में। तो भाई ये देखो गोपाल भाई जा रहे हैं जिप साइकिल में एंजॉय करते हुए। भाग गए। तो भाई आगे गोपाल भाई कैसा लगा? बहुत बढ़िया था, मजा आया। डर लगा मेरे को एक चीज यहाँ पे, वो सही नहीं लगा कि यहाँ पे ना पहले इस तरफ से चल के हम उस तरफ जाते थे, फिर उस तरफ से इस तरफ आते थे, अब क्या कर दिया एक ही चक्कर कर दिया। अच्छा पहले यहाँ से वहाँ, फिर वहाँ से यहाँ वापस, ऐसे होता था। अब ये है सिर्फ क्लियर कॉम्बो में जो है ये इस तरफ से उस तरफ, उस तरफ से इस तरफ जा सकते। अच्छा क्लियर कॉम्बो में दोनों साइड। अच्छा तो भाई कह रहे हैं ना नॉर्मल जो क्लियर कॉम्बो है ना उसमें मतलब यहाँ से जाओ फिर वापस भी आओ, बट जो नॉर्मल में जो साइकिलिंग में मिलता है उसमें एक ही साइड जा सकते हैं, सिर्फ क्लियर कॉम्बो में दोनों साइड का होगा। यहाँ सामने देखो किड जोन है, किड जोन के अंदर ट्रेन चल रही है, पूरा किड जोन अभी दिखाएंगे, पहले ट्रेन दिखा देते हैं। अभी ट्रेन चलाई जा रही है क्योंकि ये देखो टॉय ट्रेन है ये। चलो भाई दिखा देते हैं बच्चों के लिए क्या क्या यहाँ, देखो इस तरीके से बनाया है, बच्चे जाके एक दूसरे के बॉल थ्रो करके मतलब इन्जॉय कर सकते हैं, ये देख सकते हैं आप। बाकी वहाँ पूरा एरिया जो है किड जोन का है, आइए दिखाते हैं पूरा चल के। ये देखो पूरा बच्चों के लिए रहेगा, वहाँ मिकी माउस वगैरह लगाया है। यहाँ देखो इस तरीके ज़्यादा छोटे बच्चों के लिए, वो देखो कुछ झूले वहाँ लगाए हैं, तो ये बच्चों के लिए। आइए यहाँ दिखाते हैं अंदर चल के, जैसे हमारे में ट्रीट ऑफ कोर्स है ना ऐसा बच्चों के लिए बनाया हुआ है, ये देख सकते हैं आप, ये पूरा बच्चों के लिए रहने वाला है ट्रीट ऑफ कोर्स। काफ़ी कुछ यहाँ मिलेगा बच्चों के लिए, तो अगर अपने बच्चों को लाने की सोच रहे हो यहाँ पर तो लेकर आ जाओ, मज़े आएंगे उन्हें काफ़ी। देखो किस तरीके से बनाया है यहाँ पर पूरा, ये काफ़ी एक्टिविटीज़ है बच्चों के लिए भी। अच्छा वहाँ से है इसका जाने का रास्ता शायद, वहाँ उस वाले एरिया में भी दिखाते हैं। चलो तो अब यहाँ चलते हैं, ये रहने वाला है जंगल हाउस जो कि केवल बच्चों के लिए रहने वाला है। चलो यहाँ भी दिखाते हैं क्या क्या यहाँ पे एक्टिविटीज़ वगैरह बच्चों के लिए है। ये देख सकते हैं यहाँ पे कमांडो नेट क्लाइंबिंग यहाँ पर आप देख सकते हैं, बाकी यहाँ पर भी ट्रीट ऑफ कोर्स टाइप है। देखो वहाँ टनल बनाया है, बच्चे वहाँ पर जाके इन्जॉय करेंगे।
यहाँ भी एक टनल है, देखो यहाँ सामने आप ब्रिज देख सकते हो, कलरफुल एक ब्रिज है। ये देखो बच्चे जाते हैं इधर अंदर टनल में, भूत अंदर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, इस साइड से जाओ, उधर खड़े हैं, ठीक है, हम उधर खड़े, उधर जाओ 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 जाओ, अरे कुछ नहीं अंदर, तुम भी चले जाओ साथ में। अच्छा चलो दूसरा चलाते हो। तो भाई ये देखो बच्ची यहाँ पर है, ये एक्टिविटी कर रही है, उस वाले को मैंने डरा दिया भाई, माफ़ी चाहूँगा उसके लिए। तो ये बच्ची एंजॉय कर रही है यहाँ पे, देख सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर बोटिंग भी है, लेकिन फिलहाल वो काम चल रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस है भाई, तो फिलहाल इसलिए बंद है, वो अंडर मेंटेनेंस ही है, वो भी थोड़ा काम चल रहा है वहाँ पर। दोस्तों अंधेरा हो गया ना, तो लाइटिंग हो चुकी है, आप देखो कितना अच्छा लग रहा है, सारे पेड़ों पर लाइट ऑन हो गया, ये देखो पूरे में लाइटिंग है, कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है पूरा, आप देख सकते हैं ये पूरे में लाइटिंग कर दी गई है। बाकी ये देखो सोने में बिजी है, बाकी यहाँ आप सामने देख रहे हो ये बास्केटबॉल रहने वाला है, बास्केटबॉल में भी इंजॉय कर सकते हैं यहाँ पर आप, काफ़ी लोग कर रहे हैं देखो, तो भी देखो काफ़ी लोग इंजॉय कर रहे हैं, गोपाल भाई ने भी अभी इंजॉय करा था, देखते कोई गोल कर पाता है, अगर गोपाल भाई तो एक भी गोल नहीं कर पाए थे यार, मुझे आता नहीं है। इनको देखते चलो, करो भाई करो गोल करके दिखाओ, होता होता रह गया। तो भाई किसी का भी गोल नहीं हो रहा, बारी है तरुण कृष्णा की, हो गया हो गया, तो भाई इनका गोल हुआ अभी एक, लेकिन किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा, देखा था देखा था, हुआ भाई इनका, हुआ एक का गोल हो गया भाई, वो गलती से हो गया, गलती से हो गया वो। लो भाई तरुण भाई आ रहे हैं, अब देखते हैं, बड़ा डायलॉग बाजी मार रहे थे यहाँ पे, देखते हैं अब क्या करते हैं भाई। चलो भाई देखो, ऐसे तो कभी ना जाता, ऐसे तो कभी, चलो चलो भाई एक तो जाए, ओ भाई ये तो जाता ही नहीं है, नहीं जाता है भाई, टफ है, इतना आसान नहीं है, पक्का जाएगा, हाँ दिखाओ भाई जा, ऐसा ना जाता, ऐसा नहीं जाता, टाटा जा। दोस्तों वो बास्केटबॉल तो हो गया, यहाँ पे भी थोड़ी मोड़ी चीजें आप खा सकते हैं, जैसे स्नैक्स वगैरह हैं, ड्रिंक्स वगैरह हैं, आइए वहाँ चलते हैं, वहाँ इंडोर कुछ गेम्स हैं, जैसे कि बॉलिंग वगैरह, कैरम, लूडो, चेस, ये सब दिखाते हैं जो जो है। चलो दोस्तों अब यहाँ चलते हैं, बॉलिंग एले, तो देखते हैं इसमें कितना मजा आएगा और क्या क्या मिलेगा अंदर, चलो चलते हैं। ये एरिया जो है फुली एयर कंडीशन है भाई, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले हमें टेबल टेनिस दिखाई दे रहा है, ये कुछ लोग खेल रहे हैं, अच्छा एक ही सर है, गेम दिखानी सर को नहीं दिखाना। अरे तो बढ़िया खेल रहे हैं काफी, बाकी यहाँ सामने देखो पूरा बॉलिंग वाले एरिया रहने वाला है, आइए थोड़ा बॉलिंग ट्राई कर लेते हैं, देखते हैं कैसा रहने वाला है। तो भाई हम भी ट्राई कर रहे हैं, टेबल टेनिस आता तो नहीं है वैसे हमें, ट्राई कर लेते हैं फिर भी, गोपाल भाई सामने पहुंच चुके हैं, चलो करते हैं ट्राई। अबे जा, अबे जा जा जा, जीत ले लो, अरे जीत के ले लो। तो भाई अब चलते हैं बॉलिंग में, करते हैं एंजॉय, ये देख सकते हैं आप पूरा बॉलिंग का रहने वाला है एरिया, तो यहाँ जाने के लिए भाई शूज स्लीपर वगैरह अपने रिमूव करने होंगे, वहाँ रखने हैं, तो चलते हैं, चलो बॉलिंग करते हैं। अब तरुण भाई बॉलिंग ट्राई करने जा रहे हैं, मेरे से तो गिरा नहीं, चलो मार दो मार दो, ये बाहर बाहर गया भाई बाहर। एक गिरा बस, एक गिरा बस, चलो चलो और एक चांस मिलेगा, ये धक्के लग रहा है ना, मैं सही से नहीं पकड़ रहा यार, सही से पकड़ो, सही से पकड़ो, ये अब जा रहा, अब जा रहा, नहीं गिरेगा, सारे नहीं गिरेंगे, तुमने तेज मारा बहुत, तीन रह गया, तीन बचा, सीधे हाथ से जोड़ो, उल्टे हाथ से ट्राई करते हैं, अरे उल्टे हाथ से मारा ही नहीं जाएगा, हाँ भारी होता है ना, ये देखो भाई क्या करने जा रहा है, चलो ठीक है उल्टे हाथ से ही मारो, अरे उल्टे हाथ से मारा है, देखते हैं क्या होता है, ओ भाई एक रह गया, बहुत बेकार खेलता हूँ यार मैं तो, बाहर आ चुके हैं फिलहाल, ट्रम्पलिन के एरिया की तरफ चल रहे हैं,
ट्रम्पलिन ही मेन था क्योंकि वो नया खुला है यहाँ पर। ये पूरा यहाँ का रहने वाला ट्रम्पलिन का एरिया, देखते हैं यहाँ पे क्या क्या इंजॉय कर सकते हैं बच्चे या फिर बड़े जो भी हैं। ये देखो बच्चों के लिए कुछ यहाँ पे गेम्स वगैरह हैं। ये वाला एरिया रहने वाला बच्चों के लिए, देखो बच्चों के लिए यहाँ पे थोड़ा ही बनाया हुआ है। यहाँ बच्चे स्लाइड में फिसल के आ सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ बॉल्स डालिए नीचे, बाकी वहाँ ऊपर बच्चे जाएंगे, वहाँ देखो उस टाइप बनाया थोड़ा टनल टाइप, वहाँ से बच्चे जा सकते हैं। तो ये पूरा एरिया बच्चों का रहने वाला है, यहाँ बच्चे देखो क्लाइंबिंग कर सकते हैं इधर ऊपर तक। और देखो बच्चों के लिए छोटे छोटे यहाँ पे गाड़ी वगैरह डाली हुई हैं। तो ये वाला पूरा एरिया जो है बच्चों के लिए है। ये ग्रिप सॉक्स मिली है हमें अंदर जाने के पहन, मतलब अंदर पहन के जाने के लिए। ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये इसको इन्होंने नाम दिया जंपिंग जपैक। पूरा ट्रम्पलिन पार्क काफ़ी बढ़िया बनाया है। और आगे अगर हम बढ़ते यहाँ आप जंपिंग कर सकते हैं, वहाँ देखो इस तरीके क्रॉस करके जाना है, वहाँ पे क्लाइंबिंग करनी है। ये पूरा फॉर्म फिट का एरिया है, इसमें आप गिर भी जाओगे, उछल कूद करो कुछ नहीं होने वाला आपको। ये देखो यहाँ पे भी ये बैटल वाला एरिया है, यहाँ ये पड़ा है ना, ये यहाँ पे ये जो पड़ा है नीचे, तो एक मान लो दो पार्टनर है, एक ये उठाएगा एक वो उठाएगा और बैटल होती है यहाँ पर। तो ये देखो ये लेके जा रहे हैं तो यहाँ बैटल होती है। देखो ये एक मान लो एक और कोई आ जाता है तो दोनों एक फाइट करते हैं यहाँ पर, जिसने जिसको गिरा दिया गिरने वाला हार जाएगा। बाकी देखो यहाँ पर ये देख सकते हो आप सामने, यहाँ पे जंपिंग करनी होती है। ये देखो ये करके दिखाएंगे। ये देखो काफ़ी सारे लोग आके एंजॉय कर रहे हैं सारे, ये देखो बैटल कर रहे हैं लोग, ये देखो काफ़ी एंजॉय यहाँ पर लोग कर रहे हैं, देख सकते हैं आप। ये देखो फिर से बैटल हो गई भाई, देखते कौन किसको हराता है, कड़ा उतार रहे हैं भाई। बढ़िया गिराओ, देखते हैं। ओहो, अरे ब्लू वाले पीछे हट गए, फिर से आगे। ब्लैक वाले हारेंगे ऐसा लग रहा है भाई, देखते हैं। ना ब्लू वाले भाई, अरे ये खुद ही कूद के भाई। आगे एक ये वाले एरिया यहाँ पे बनाया हुआ है, यहाँ भी इंजॉय कर सकते हैं। ये देखो यहाँ भी जंपिंग करो, वहाँ से भागते भागते आते हैं फिर वहाँ एकदम से जंप करते हैं। ये देखो ये आगे, silhouettes of you are like a taunt, never really know just what you want. With you I don't ever feel calm, I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string, you don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings, you don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares. तो दोस्तों मैंने आपको यहाँ का ट्रम्पलिन पार्क भी दिखा दिया। तो यहाँ पे काफी टाइम लग जाता भाई, आप अगर आ रहे हो ना अभी इंजॉय करने, 4-5 घंटे लगी जाएंगे यहाँ पे इंजॉय करने के लिए। तो ये रह गया अब लेजर टैग, वो भी दिखाते हैं चलो। बाकी वहाँ पे जो है रेन डांस है सामने, और रेन डांस के लिए चेंजिंग रूम वहाँ पे बनाया हुआ है, वो देखो लोग वहाँ पे हैं। तो वहाँ चेंजिंग रूम है रेन डांस का, गर्ल्स बॉयज दोनों का। यहाँ पे सामने अब रहने वाला है लेजर टैग, तो यहाँ भी आप इंजॉय कर सकते हैं, पबजी के शौकीन है तो भाई ये चीज़ आपको अच्छी लगेगी। आओ दिखा देते हैं पूरा। अरे गन को बचाना है, क्या कर रहे हो, खुद कोई दिक्कत नहीं है, गन को बाहर मत करो जल्दी।
दोस्तों लेजर टैग में भी इंजॉय करके आगे रेन डांस भी दिखा दिया पूरा, मतलब जो ईओडी पार्क है सब मैंने आपको दिखा दिया, सारी यहाँ की जानकारी मैंने आपको दी। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी, चैनल पे आए तो पहली बार कर लेना सब्सक्राइब ऐसी वीडियोस के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, वहाँ भी अच्छी रील्स में डालते रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपसे अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।